हेलो हेलो एवरीवन हेलो गाइस वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप लोग आई एम ऑडिबल और विजिबल एक बार मुझे फटाफट -फड़ जल्दी से बता दीजिए गुड इवनिंग गाइस गुड इवनिंग टू एवरीवन सो गाइस सॉरी सॉरी फॉर द डिले अभी एक्चुअली जिन स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल पर जो ज्वाइन होंगे उन्हें मैंने इन्फॉर्म कर दिया था गाइज अराउंड फोर्टी मिनट्स से टेक्निकल इशू था अगर आप लोग देख सकते हैं मैंने टेलीग्राम पर लिंक भी सेंड कर दिया था हम मैंने एक पिक सेंड किया था एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू था जो हमारा सिस्टम है वो लोड नहीं हो पा रहा था पीपीटी अपलोड नहीं हो पा रही थी उसके वजह से डिले हो गया था सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस आई एम ट्राइंग फ्रॉम लास्ट थर्टी टू फोर्टी मिनट से मैं ट्राई कर रहा हूँ हो नहीं पा रही थी बट सॉरी गाइज़ उस चीज के लिए आग बट ये जो आपका टाइम है जो हमारा सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी वजह से हम इस सेशन को बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नदर माउंटेन्स आज हम बात करेंगे हमारे इंडिया के माउंटेन्स के बारे में आज हम बात करेंगे इंडिया के माउंटेन के पासिस के बारे में आज हम बात करेंगे हमारे इंडिया के माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ गुड इवनिंग गाइज नमस्ते गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून सब कुछ जो भी सभी स्टूडेंट को ओके ठीक है तो आज का जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है नदन माउंटेन्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारे जो भारत के माउंटेन से इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ ये कब बने किस किस फेज में बने उसके बाद हम बात करेंगे क्या शिवालिक तभी बना या शिवालिक का फॉर्मेशन अलग टेम टाइम पीरियड पर हुआ हर एक माउंटेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज के अपने सेशन के अंदर हम बात करेंगे लेसर हिमालय की ये कब बने क्या सब चीज एक साथ बन गई क्या ऐसा भी हो सकता है कि सर आने वाले टाइम पर कोई और चौथा माउंटेन रेंज बन जाए सबके बारे में हम बात करेंगे आज के अपने सेशन के अंदर तो गाइज बिफोर स्टार्टिंग सेशन फटाफट जल्दी से आते हैं अगर मैं बात करूं अपने बारे में दिस इज अनिरुद्ध मलिक आई टीचर एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन फाइव इयर्स आई टॉट एंड एंटर मोर देन थर्टी थाउजेंड्स ऑफ ऑफलाइन स्टूडेंट्स एंड लैक्स ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट वहीं पर बात करें अन अकेडमी क्यों ऐसा क्या स्पेशल है गाइज ऑल द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया यहां पर अवेलेबल है मोर देन नाइन सेवन टॉपर्स को टू थाउ ट्वेंटी वन में दिए ए आई आर फोर थ्री फाइव ऑल आर फ्रॉम एन अकेडमी चाहे इंटरव्यू हो चाहे वहां पर प्लस कोर्सेज है उनके स्टूडेंट रह चुके हैं आपको यहाँ पर डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग क्लासेज मिलेगी अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे दैट मीनस फिल्म मेन्स ऑप्शनल प्लस इंटरव्यू ये सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलेंगी कहीं जाने की जरूरत नहीं है जस्ट आपको एक सिंपल कोड यूज करना है दैट इज कैपिटल ए एम टेन और इस कोड को यूज करते ही आप क्लास के अंदर एंटर कर जाओगे उसी के बाद गाइज बात करें अनएकेडमी सब्सक्रिप्शन पर आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग ऑफर आया है अगर आप अनकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो वन ईयर के सब्सक्रिप्शन पर आपको टू मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है 18 मंथ्स पर 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है 2 ईयर पर आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है और 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट आप चीजों को बहुत डिटेल में करना चाहते हैं दिस इज द परफेक्ट टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हो तो थ्री ईयर का लीजिए और उसमें एक्स्ट्रा आपको फ्री मिलेगा सिक्स मंथ और वन ईयर का और जैसे ही आप ए एम टेन कोड यूज करते हो आपको वहां पर टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा प्लस ये सिक्स मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा सो गाइज दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन यानी कि टेन प्लस आपको अराउंड थर्टी थाउजेंड का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो ये आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिर्फ फोर्टीन जैन तक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आपके पास ऑफर है और ये ऑफर ए एम टेन कोड यूज करते ही अवेल हो जाएगा जिसके अंदर आपको मेरी मेंटरशिप गाइडेंस सब कुछ आपको मिलने वाला है उसी के साथ-साथ आरंभ बैच गाइस ये आरंभ बैच है जिसके अंदर हम कंप्लीट कवरेज करेंगे प्रीलिम्स मेन्स की फॉर द ईयर 2024 और इसके अंदर पूरा बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के अवेलेबल होने वाले हैं रफ्तार बैच जिसके अंदर फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड्स वेडनेसडे से मेरा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स आ रहा है प्रीलिम्स का रिवीजन कोर्स और आप एम10 कोड यूज करके रफ्तार का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लस कोर्स है पूरी इंडियन ज्योग्राफी और डिटेल में वहां पर कवर हो रही है लोन के थ्रू सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं EMI पर कोड यूज करना है और याद रखिएगा जब आप लोन पर ले रहे हैं सेल्स टीम से बोल दीजिएगा यूज कोड तभी आपको मेंटरशिप गाइडेंस मिल पाएगी रखियेगाएमआई के थ्रू भी ले सकते हैं वहीं पर गाइज आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप सिक्स की मंथ की टेस्ट सीरीज ले सकते हो टू थाउजेंड रुपीज के अंदर सब कुछ कवर होगा जस्ट ए एम टेन कोड यूज करने से डिस्काउंट मिल जाएगा फिफ्टी फाइव टेस्ट है फटाफट हम बात करते हैं इंडियन फिजियोग्राफी के बारे में एक बार जितने भी स्टूडेंट है गाइस कमोन फटाफट फड़ क्लास में आ जाइए फटाफट फड़ सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर दीजिए शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट क्लास को अटेंड कर सके देखिए गाइस हम बात करें हमारी इंडिया के बारे में थोड़ा सा आराम से सुनने की कोशिश करना आराम से समझने की कोशिश करना ठीक है देखिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूं हमारे इंडिया के बारे में भारत के बारे में तो आप लोग सब लोग इंडिया के हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ उसको जानने के लिए आ गए बहुत खुशी के साथ आए होंगे आज देखा जाए कि हमारे हिमालय कैसे बने इन हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो हुआ कैसे सर उसके बारे में बात करेंगे क्या सर ट्रांस हिमालय काराकोरम लद्दाख ये हिमालय का पार्ट रहे हैं या नहीं रहे हैं उसको जानने के लिए आ गए तो आज वो सारे जितने भी डाउट्स हैं आपके वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे ठीक है देखिए गाइज अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया एक ऐसा लैंड है जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट फिज़िकल फ़ीचर्स देखने को मिलेंगे यहां पर आपको माउंटेन्स मिलेंगे यहां पर आपको प्लेट्यूज मिलेंगे यहां पर प्लेन्स मिलेंगे यहां पर कोस्टल आइलैंड्स मिलेंगे यहां पर कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे यहां पर आपको सारे फ़िज़िकल फ़ीचर और फिजियोग्राफिक फ़ीचर्स देखने के लिए मिलेंगे उन्हीं फीचियोग्राफ फिजिकल फीजियो जो आपका फिजियोग्राफिक फीचर है उसमें एक फिजियोग्राफिक फीचर आता है माउंटेन और वो माउंटेन दैट इज जो हिमालय हैं जिनका फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में आज के अपने सेशन के बारे में हम पढ़ने वाले देखिए गाइस अगर हम बात करें अपने हिमालय के बारे में तो आपको जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है यहां पर ये हमारा हिमालय है दैट इज दिस वाला पोर्शन अगर आप देखोगे दिस इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालय यहां पर ये वाला पोर्शन ये पूरा हिमालय का पोर्शन है तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर हिमालय कैसा है क्या क्या चीजें हैं उससे पहले अगर मैं बात करूं मैंने आपको बताया कि इंडिया में ये जो टॉपिक है ना गाइज ये फिजियोग्राफी का टॉपिक है हमारे इंडिया के अंदर जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स मिल रहे हैं उसका टॉपिक है तो उसमें प्लेट्यूज भी मिल रहे हैं सारी चीजें मिल रही हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया में अराउंड टेन पॉइंट सेवन परसेंट जो एरिया है वो माउंटेन्स कवर करते हैं जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी लद्दाख यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश सिक्किम और ये जो हमारे स्टेट है आपके नागालैंड मिजोरम यहाँ पर जो माउंटेन रेंजेस हैं वो इंडिया का अराउंड 10.7 परसेंट एरिया कवर करते हैं ये चीज आपको पता होनी चाहिए वहीं पर 18.5 हमारे इंडिया में जो हिल्स हैं वो कवर करती है 27.7 परसेंट जो इंडिया का एरिया है वो प्लेटूज कवर करते हैं और इंडिया का 43 परसेंट एरिया प्लेन कवर करते हैं यूपीएससी से यहां से क्वेश्चन बन जाएगा और आप लोग इसका आंसर नहीं दे पाओगे रीजन बनेगा चारों चीजें दे देंगे प्लेटू प्लेन्स माउंटेन्स और हिल्स और क्वेश्चन पूछा जाएगा अरेंज कीजिए इनको सबसे ज्यादा एरिया इंडिया का कौन सा जो फिजिकल फीचर है या फिजियोग्राफिक फीचर है वो कवर करता है तो आपका आंसर होना चाहिए इंडिया में जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है वो प्लेन करते हैं दैट इज अराउंड ऑफ द इंडिया एरिया प्लेन कवर करता है बट हमें क्या पढ़ना है आज हमें वो पोर्शन पढ़ना है दैट इज अराउंड टू पॉइंट सेवन परसेंट जो एरिया जो ऑक्यूपाइड करता है माउंटेन इंडिया के अलग अलग स्टेट में सर इंडिया के जो माउंटेन्स हैं इंडिया के अंदर जो हिमालय मिलते हैं वो सबसे पहले याद रखना दीज आर नोन एज द यंग फोल्ड माउंटेन याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है अब क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज यंग फोल्ड माउंटेन यंग का मतलब है कि जो जो माउंटेन्स आपके फॉर्म्ड हुए हैं इंडिया का जो हिमालय है वो उनमें सबसे नवीनतम है सबसे न्यू माउंटेन्स है दैट मीन्स ये सबसे लीस्ट सबसे न्यू फॉर्मेशन हुई है जैसे हम बात करते हैं अरावलीस के बारे में तो हमारे अरावलीस काफी पहले फॉर्म हुए। आपको मैंने कल में रॉक टाइप बढ़ाया मैंने बताया था कि जो धारवाड रॉक्स है कल अगर आप नोटिस करोगे कल मैंने आरके रॉक्स धारवाड रॉक्स आपको मैंने कुडप्पा रॉक्स के बारे में पढ़ाया फिर मैंने आपको विंध्यास पढ़ाया फिर मैंने आपको गोंडवाना रॉक्स के बारे में पढ़ाया तो उसमें से जो धारवाड़ रॉक्स थी उस टाइम पर हमारे अरावली का फॉर्मेशन हुआ तो, तो दैट मीन्स अरावली हमारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं उनका फॉर्मेशन बहुत पहले हुआ है और हमारे जो हिमालय हैं दीज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स इनका फॉर्मेशन बाद में हुआ है अगर आपको पता होगा अब मैं आपके सामने कुछ चीजें बताना चाहता हूं कैसे कैसे हैं इन सब चीजों को एक जगह छोड़ के आ जाते हैं बस आप यहां पर देखिए ये हमारे हिमालय हैं ये हमारा हिमालय है जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अंदर लाई करते हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर फिर मैं बात करूंगा कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ इन सब चीजों को छोड़ते हैं और सबसे पहले हम आते हैं अपने पॉइंट पर चीजों को समझने के लिए आइए फटाफट चीजों को समझते हैं नॉर्थ माउंटेन रेंजेस को बहुत डिटेल में और अच्छे से देखिए गाइस अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारे माउंटेन्स हैं ये कैसे फॉर्मड हुए इनको लेके अलग अलग थ्योरीज दी गई जैसे सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कोबर की थ्योरी आई थी कोबर्स की जो थ्योरी आई थी उन्होंने एक जियो का सिद्धांत दिया उन्होंने जियो सिंक्लाइन बताया कि हमारे जो लैंडमास है उनके बीच में एक जियो सिंक्लाइन है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा उसके बाद जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जो बेसिकली आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सबसे बाद में दी गई थी वो आपको बताता है कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ तो आपको चीजें समझनी होगी मैं चला जाता हूं आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले 250 मिलियन ईयर्स पहले हमारी जो अर्थ थी गाइस ये आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले आपका एक सिंगल लैंडमास थी हमारी अर्थ आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले एक सिंगल लैंडमार्स थी और उस सिंगल लैंडमार्स का नाम था पेंजिया इस सिंगल लैंडमार्क का नाम था पेंजिया और ये पेंजिया को चारों तरफ से एक बहुत बड़ा लार्ज ओशन कवर किया हुआ था और उस ओशन को बोलते थे पैंथालसा पैंथालसा ठीक है तो अभी मैं आपको सब सिक्वेंस से बताना स्टार्ट करूंगा आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले की बात है उसके बाद क्या हुआ गाइस जो हमारा ये पेंजिया था आफ्टर सम टाइम के बाद ये पेंजिया दो पार्ट में ब्रेक होना स्टार्ट हो गया और इस पेंजिया का जो ब्रेक हुआ जब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो इसका जो अपर पोर्शन था इस अपर पोर्शन को बोला गया अंगारा लैंड इस अपर पोर्शन को बोला गया अंगारा लैंड और जो नीचे का पोर्शन था इसको बोला गया गोंडवाना लैंड हमारा जो ओशन है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ दैट इज अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपको पता होगा उसके बाद क्या हुआ गाइस ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे समझने की कोशिश करना मैं फिर एक एक चीज बहुत अच्छे से बता रहा हूं कैसे कैसे कहां पर बनी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अब क्या हुआ इस अंगारा लैंड का फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ और ये फर्दर डिवाइड हुआ ये फर्दर ब्रेक हुआ और इससे हमारे दो कॉन्टिनेंट बने एक बना नॉर्थ अमेरिका और दूसरा कॉन्टिनेंट बना हमारा साउथ अमेरिका वो सॉरी यूरेशिया जो हमारा यूरेशिया है ये यूरेशिया इसी का पार्ट है याद रखना उसके बाद सेम इसी तरीके से इस गोंडवाना लैंड का भी फर्दर डिवीजन हुआ ये दोबारा ब्रेक होना स्टार्ट हुआ गोंडवाना लैंड भी और इस गोंडवाना लैंड से जो हमारे कॉन्टिनेंट बने वो आपके बने एक तो साउथ अमेरिका एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट बना एक आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो भी आपके इसी से बने और जो हमारा अंटार्कटिका का पार्ट है वो भी इसी गोंडवाना लैंड से बना हम हमेशा बात करते हैं कि जो इंडिया है वो किसका पार्ट है गोंडवाना लैंड का पार्ट है तो वो इसी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है और इसका नाम गोंडवाना लैंड क्यों रखा गया कल मैंने आपको बताया था फटाफट कमेंट करके आंसर कीजिए फटाफट जल्दी से सर इसका नाम गोंडवाना इसलिए रखा गया क्योंकि यहां पर गोंड ट्राइब मिलती थी यहां पर गोंड जनजाति मिलती थी जिसके कारण इसका नाम गोंडवाना लैंड रखा गया और इंडिया इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट थी अब क्वेश्चन बढ़ता है आगे की तरफ और जो समझने की बात है चीजों को बहुत अच्छे से ठीक है ठीक है आगे की तरफ चलते हैं हम बात करते हैं कैसे कैसे सारी चीजें हैं अब मैं आपको सिक्वेंस पर चीजें समझाने की कोशिश करूंगा पेंजिया अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड ये मैंने आपको बताया देखिए गाइज ये क्या है कैसे है अब मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट समझाता हूं मैंने कल आपको रॉक्स के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि आज से फोर बिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट थी फिर वो ठंडी होनी स्टार्ट हुई और जब वो ठंडी होनी स्टार्ट हुई तो उसके जो ऊपर की लेयर थी वो सबसे पहले ठंडी होना स्टार्ट हुई और उसी लेयर से हमारी बनी क्रस्ट उससे क्या बना सर हमारा क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ सर हमारा क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ ये चीज़ आपको पता होगी तो हमारी जो क्रस्ट बनी इस तरीके से अर्थ है इसकी जो ऊपर की टॉप लेयर है इसको क्रस्ट बोला गया अब अगर मैं बात करूं आपसे तो मैं आपको एक सिंपल और अच्छी सी लैंग्वेज में समझाता हूं ये हमारी पूरी अर्थ थी और ये एक सिंगल लैंडमास था जिसका नाम था पेंजिया दिस इज द सिंगल लैंडमास जिसका नाम था पेंजिया अब ये पेंजिया क्या हुआ अभी मैं बताऊंगा ये पेंजिया ब्रेक होना स्टार्ट हो गया ये टूटना स्टार्ट कर दिया अभी ये पेंजिया क्या हुआ सर ये पेंजिया ब्रेक होना स्टार्ट कर दिया ब्रेक हो गया ये वाला पोर्शन अंगारा लैंड और ये वाला पोर्शन गोंडवाना लैंड एंड देन फर्दर इस पेंजिया का जो अंगारा लैंड इसको लॉरेशिया भी बोलते हैं याद रखना अंगारा लैंड इज आल्सो नोन एज लॉरेशिया तो इस लॉरेशिया और अंगारा लैंड का फर्दर डिवीजन हुआ फर्दर ब्रेक हुआ और ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो गया ऊपर की तरफ यहां पर आपका नॉर्थ अमेरिका है और यहां पर ये यूरेशिया है जो यूरोप और रशिया वाला पार्ट है इससे दो पोर्शन बने फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड पोर्शन आया दैट इज गोंडवाना लैंड इसका फर्दर डिवीजन हुआ और फर्दर डिवीजन होने के बाद इसमें से साउथ अमेरिका बना और वो साउथ अमेरिका यहां पर आ गया उसके बाद जो साउथ अमेरिका है वो प्रेजेंट टाइम पर ऐसा नहीं था जैसा आज है पहले ये गोंडवाना लैंड के साथ एक साथ जुड़े हुए थे और आपको पता होगा यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ये साउथ अमेरिका और उससे ड्रिफ्ट हुआ साउथ अमेरिका से आपका अलग होके जो एक कॉन्टिनेंट उसका नाम था अफ्रीका और याद रखिए जब मैंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाई थी एल्फर्ड वैग्नर की तो उन्होंने एविडेंसेस दिए थे कि अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका बिल्कुल साथ में है। तो ये अफ्रीका अलग कॉन्टिनेंट निकल के बना और उसके बाद फिर इसमें से यहां पर ये बने इंडो और ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस अफ्रीका से अलग हुए और जब अफ्रीका से अलग हुए ये प्लेट भी फर्दर डिवाइड होके इंडिया नॉर्थ की तरफ जाने लगा और ऑस्ट्रेलिया साउथ में यहां पर आ गया उसके बाद एक तीसरा पोर्शन लास्ट में अंटार्कटिका यहां पर नीचे की तरफ आ गया ये हमारे इस तरीके से पूरी प्लेट्स थी अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये प्लेट्स कैसे हैं कहां पर है तो ये प्लेट्स कुछ नहीं है जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर आपको क्रस्ट दिख रही होगी हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर सबसे ऊपर अगर मैं बात करूं ये हमारी अर्थ है ठीक है इसके ऊपर की सबसे जो ऊपर की लेयर है ये वाली दिस इज नोन एज द क्रस्ट इसको क्रस्ट बोला जाता है और ये जो क्रस्ट है ना गाइज इसकी जो डेप्थ है जो इसकी थिकनेस है वो अलग अलग एरिया पर अलग अलग है कहीं पर ये आपको 10 किलोमीटर की थिकनेस दिखेगी कहीं पर 20 किलोमीटर की थिकनेस दिखेगी कहीं पर 70 किलोमीटर की थिकनेस दिखेगी तो जो क्रस्ट की मोटाई है ना वो आपकी अलग अलग 10 से 70 किलोमीटर की थिकनेस वेरी करती हुई आपको देखी जाएगी और आपको अलग अलग थिकनेस के साथ दिखेगी समझ में आ गया उसी के साथ साथ ये जो क्रस्ट है ना ये क्या है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है हमारी जो कॉन्टिनेंट की प्लेट्स बनी हुई है ना वो अलग अलग प्लेट्स बनी हुई है वो मैं आपको बताता हूं इस क्रस्ट के नीचे एक और रीजन है ये वाला ये आपका नीचे पूरी प्लेट है मेंटल और इसी मेंटल का जो अपर पोर्शन है ये वाला पोर्शन इतना पोर्शन दिस पोर्शन अपर पोर्शन है यह मेंटल का जो अपर पोर्शन है यह सॉलिड फॉर्म में है और जब मेंटल का अपर पोर्शन लीथोस्फेयर और इसी लिथोस्फेयर के नीचे जो सॉलिड पोर्शन है मेंटल का इसके नीचे अगर आप आओगे यहां पर ये वाला पोर्शन तो ये एक प्लास्टिक की फॉर्म में एक सेमी विस्कस फॉर्म में प्योर लिक्विड भी नहीं है प्योर सॉलिड भी नहीं है विस्कस फॉर्म में है और ये मेंटल के अपर पोर्शन में है इसको बोलते हैं एस्थनोस्फेयर इसको क्या बोलते हैं गाइज एस्थ्रोस्फेयर और ये एस्ट्रोस्फेयर जो है इसके ऊपर है आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट और ये लिथोस्फेरिक प्लेट फ्लोट कर रही है तहर रही है इसके ऊपर मूव कर रही है इस एस्थ्रोस्फेयर के ऊपर तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारी अर्थ क्या है हमारी अर्थ प्रेजेंट टाइम में ऐसी छोटे छोटे प्लेटों का ग्रुप है ऐसी छोटी छोटी अलग अलग प्लेटों का ग्रुप है और ये प्लेट किसी एक प्लास्टिक एक सेमी लिक्विड फ्लूड के ऊपर विस्कस फ्लूड के ऊपर जिसको हम एस्थ्रोस्फेयर बोलते हैं उसके ऊपर फ्लोट कर रही है और जैसे जैसे आपका विस्कस मटेरियल एस्ट्रोस्फेर मूव करता है ऐसे ऐसे आपकी ये प्लेट भी मूव करती है यह बात आपकी कही गई और समझाई गई किस किस को चीजें समझ में आई या नो मुझे बता दीजिए एक बार सभी स्टूडेंट लाइक शेयर कर दीजिए अगर ये पॉइंट क्लियर हुआ समझ में आया क्लियर है तो बेसिकली सबसे पहले क्या हुआ समझना मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं सबसे पहले कोबर थे जो जियोलाइन का सिस्टम लेके आए जियो थ्योरी लेके आए जिन्होंने चीजें बताई कि कैसे कैसे हुआ क्या क्या, क्या चीजें हुई सब चीजें सबसे पहले उन्होंने बताने की कोशिश की ठीक है ओके अभी मैं आपके सामने आता हूं क्या हुआ आगे चल के यहां पर आप लोग समझ गए होंगे ठीक है अगर आपको और बेटर तरीके से समझना है तो आप इस फिगर को देखिएगा आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा यहां पर आ जाइए इस प्लेट को और इस पूरे पॉइंट को देखिए इस इमेज को आप देखोगे तो आपको एक सिंगल लैंडमार्क दिखेगा यहां पर जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दिस इज द सिंगल लैंडमार्क और इसी सिंगल लैंडमार्क का नाम है पेंजिया और इस पेंजिया को चारों तरफ से किसने कवर किया हुआ है सर चारों तरफ से कवर किया हुआ है आपके पेंथालसा जो कि एक बहुत बड़ी ओशन की वाटर बॉडी है अराउंड आज से 225 ट्वेंटी फाइव मिलियंस या आप बोल सकते हो 250 मिलियन ईयर्स पहले की बात है फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो पेंजिया है वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया ऊपर वाला पोर्शन बना लोरेसिया जिसको हम अंगारा लैंड बोलते हैं और नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हमने गोंडवाना लैंड बोला अब क्या हुआ पीरियड में अराउंड 135 मिलियन बाद या पहले आपका ये फर्दर डिवीज़न हुआ और ये लॉरेशिया लैंड का ऊपर का ये बना आपका नॉर्थ अमेरिका और यहां पर यह बना आपका यूरेशिया और उसके बाद आपने देखा होगा में आपका जो इंडिया है ये भी आपका डिवाइड हो गया अराउंड 70 मिलियन और 60 मिलियन ईयर्स पहले किससे गोंडवाना लैंड से और आप देख सकते हो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहाँ ये साउथ अमेरिका ये अफ्रीका ये इंडिया ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया एंड प्रेजेंट टाइम पर दिस इज द पोजीशन ऑफ इंडिया यानी कि जो इंडियन प्लेट है ये इस तरीके से नॉर्थवर्ड मूव करके इस यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई है और जो कोलिजन हुआ है ये काफी पहले हुआ है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ है और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग फेज में अलग अलग माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है ये चीजें आपको समझनी है ठीक है किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए एनी वन ऑफ यू एनी वन ऑफ यू की सर ऐसे ऐसे है क्या क्या चीजें हैं कुछ भी दिक्कत कैसे है क्या क्या चीजें हुई ठीक है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो मैं सारी चीजें बताऊंगा क्या क्या हुआ किस तरीके से हुआ तो सबसे पहले हम बात करें आज से 100 मिलियन ईयर्स पहले की समझने की कोशिश करना अब मैं आपको दिखा रहा हूं द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय वॉज कंप्लीट अंडर अ लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड जो हमारा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है वो लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम इवेंट के साथ हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ कि आज मैं सो रहा हूं मैं सुबह उठा मेरे सामने हिमालय है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा ऐसा नहीं हुआ सर इसके पीछे मिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं आप बिलीव कीजिएगा क्या पता अभी भी एक हिमालय का जो चौथा फेज है जो शिवालिक के बाद उसका फॉर्मेशन हो रहा हो बट उसका जो फॉर्मेशन होने की स्पीड है वो इतनी स्लो है कि आप फील भी नहीं कर पाएंगे और याद रखना आज मैं आपको जिस क्लास में पढ़ा रहा हूं तो आज मैं मूव कर रहा हूं आज मेरा मूवमेंट हो रहा है जिस सरफेस के ऊपर मैं खड़ा हूं वो मूव कर रही है टूवर्ड्स द नॉर्थ और आप अपने घर में बैठे हो आपके नीचे जहां पर आपका हाउस है वो वाला जो एरिया है वो आज मूव कर रहा है टूवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट और उसका मूवमेंट इतना स्लो है कि आप उसको फील भी नहीं कर पाएंगे दैट इज फाइव सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से हमारी इंडियन प्लेट आज भी मूव करके यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है बट वो मूवमेंट वो इतना स्लो है कि वो हमें फील नहीं होगा और इसी तरीके से जो ये दो प्लेटें टकरा रही हैं इनका मूवमेंट भी इतना स्लो है कि जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कैसे हुआ जियो सिंक्लाइन सब मैं आपके सामने बताने वाला हूं बस आप चीजों के साथ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा जो हमारी जियो सिंक्लाइन थ्योरी थी वो कोबर लेके आए उसके बाद बेसिकली आपको पता होगा बाद में अलग अलग थ्योरीज आई हेनरी हैज लेके आए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज आई तो बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी सबसे पहले आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपकी एक्सेप्टेबल थ्योरी थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बोलती थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने बोला समझने की कोशिश कीजिएगा सबसे पहले आइएगा फटाफट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने बोला कि सर आज की बात नहीं है समझने की कोशिश करना आज की बात नहीं है आज से 100 मिलियन ईयर्स पहले हम आपको लेके चलते हैं जिसमें हम बात करते हैं हमारे फेज़ वन की कि हमारे फेज वन में क्या हुआ आज से 100 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि क्रिटेशियस टाइम पीरियड में क्या हुआ क्रिटेशियस टाइम पीरियड में क्या हुआ ऐसा कैसे कैसे चीज़ें हुई सर आज जो हमारा इंडिया है ना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था अगर आप टाइम पीरियड की बात करो तो आज हम इंडिया को बात करते हैं कि इंडिया यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे लाई करता है इंडिया यानी कि 30 डिग्री आपका इंडिया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का बट अगर मैं बात करूं 100 मिलियन ईयर्स की हमारा प्लेट्स ड्रिफ्ट की है इन्होंने मूवमेंट किया है एक जगह से दूसरी जगह अगर आप नोटिस करोगे तो इस वाली फिगर पर आके देखेगा आप बहुत क्लियरली चीजों को फील कर पाओगे अगर आप देखोगे ना तो इंडिया कहां पर है आप देखिए यहां पर अगर मैं इसको इक्वेटर मान रहा हूं तो इंडिया यहां पर है तो दैट मीन्स आज हमारा इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ में है आज से पहले हमारा इंडिया की जो पोजीशन थी इट्स साउथ ऑफ इक्वेटर इक्वेटर के साउथ में थी यानी कि अगर मैं बात करूं आज से हंड्रेड मिलियन ईयर्स पहले तो इंडिया की जो पोजीशन थी वो आपकी यहां पर फोर्टी डिग्री साउथ और यहां पर ये टेन डिग्री साउथ ये वाला पोर्शन इंडिया का था आज से हंड्रेड मिलियन ईयर्स दैट मीन क्रिटेशियस टाइम पीरियड समझने की कोशिश करना ठीक है और बेसिकली हमारी इंडियन प्लेट क्या कर रही थी मूव कर रही थी क्योंकि इसके नीचे क्या था मैग्मा था समझने की कोशिश करना इसके नीचे क्या था मैग्मा था इंडियन प्लेट इज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ और मूव कर रही थी नॉर्थ में कितनी 14 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से 14 सेंटीमीटर एक साल में इंडियन प्लेट का मूवमेंट हो रहा था यह चीज आपको याद रखनी है तो क्या था सर कैसे था चीजों को समझाता हूं यहां पर यह हमारी यूरेशियन प्लेट थी ये वाला जो पोर्शन था यहां पर यह यूरेशियन प्लेट थी यहां पर यह यूरेशियन प्लेट थी ठीक है ओके यूरेशियन प्लेट थी और इस यूरेशियन प्लेट के यहां पर नीचे की तरफ एक जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन था एक तरीके से यह जियोसिनक्लाइन सी था जिसको हम बोलते हैं क्या था यहाँ पर जियो डिप्रेशन और जियो सी सी था एक तरीके से अगर हम बात करें समझने की कोशिश करना या आप बोल सकते हो यहाँ पर एक तेथियस सी था इसको बोल सकते हो जियो सिंक्लाइन तेथियस सी था इस वाले एरिया में क्या था सी जिसको हम क्या बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में तेथियस सी और वहीं पर हमारा यहां पर इंडियन प्लेट थी जो मूव कर रही थी टूवर्ड्स द नॉर्थ सर इस तेथियस सी के अंदर जो रिवर आज इंडिया में फ्लो करती है ये इंडिया के फॉर्मेशन और हिमालय के फॉर्मेशन से पहले ही फॉर्मड हो चुकी थी तो ऊपर से इंडस रिवर ऊपर से सतलज रिवर ऊपर से ब्रह्मपुत्रा रिवर यूरेशियन प्लेट से आके अपने जो सेडिमेंट्स थे उन सेडिमेंट्स को यहां पर ड्रेन कर रही थी तेथियस सी के अंदर और तेथियस सी के अंदर सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो रहा था तेथिय सी के अंदर सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो रहा था ठीक है इंडियन प्लेट धीरे धीरे मूव कर रही थी टूवर्ड्स द नॉर्थ जिसके कारण जो तेथिय सी था वो स्क्यूज होता जा रहा था तेथिय सी था वो स्क्यूज होता जा रहा था और हमारा जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है दैट मीन जो इंडिया है वो टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट आपका मूव करता जा रहा था ये आपको पता होना चाहिए समझने की कोशिश करना तो जो हमारा इंडियन प्लेट था समझने की कोशिश करना जो हमारी इंडियन प्लेट थी तो इंडियन प्लेट ऐसे थी ये वाला पोर्शन इंडिया का अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इंडियन प्लेट इस तरीके से थी यहां पर, यहां पर पर ये ये वाला पोर्शन अरावली वाला पोर्शन था यहां पर बिकॉज आपको पता है अरावली ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है आपको पता होगा तो सबसे पहले क्या हुआ कि इंडियन प्लेट जाके टकराती है आपकी किसके साथ सर ये टकराती है यूरेशियन प्लेट के साथ समझने की कोशिश करना जब इंडियन प्लेट का कॉलिजन होता है यूरेशियन प्लेट के साथ तो याद रखना कि यहां पर बेसिकली आपका फॉर्मेशन होता है किस चीज का तिब्बतन प्लेटू का सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुआ वो तिब्बतन प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ ये चीज याद रखना सबसे पहले तिब्बतन प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बाद जब फर्दर जब फर्दर कॉली कॉलिजन हुआ तो जब प्लेट नीचे की तरफ सबडक्ट हुई समझने की कोशिश करना तो आपका वॉल्निक इरप्शन हुआ और वॉल्निक इरप्शन के कारण आपका फिर दरास का फॉर्मेशन हुआ अगर आप जाओगे लद्दाख में तो वहां पर आपको दरास वॉल्किनिक आइलैंड्स मिलेंगे और वो दरास वॉल्किनिक आइलैंड्स एक वॉल्किनिक ऑरिजन के हैं वॉलिक फॉर्मेशन के हैं अगर आप देखोगे क्यों? क्योंकि जो हमारी इंडियन प्लेट थी ना ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर चुकी तरीके से क्लॉकवाइज ये होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण जब टकराती है तो इंडिया का सबसे पहले वेस्टर्न पार्ट टकराया और वेस्टर्न पार्ट टकराने के कारण जो तेथियस के सेडिमेंट्स थे वो स्क्यूज होना स्टार्ट हो गए और राइस करना स्टार्ट कर दिया सी राइस करना स्टार्ट कर दिया और सबसे पहले हमारा बना काराकोरम फिर उसके बाद दरास रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ अब इंडियन प्लेट का टकराना इंडियन प्लेट का प्रेशर लगता चला गया टूवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट क्योंकि इंडियन प्लेट मूव कर रही थी तो इस तेथिय सी के अंदर जो सेडिमेंट्स आए थे इस तेथिय सी के अंदर जो सेडिमेंट्स आए थे वो सेडिमेंट्स स्क्यूज होना स्टार्ट हो गए उनके पीछे फोर्स लगने लगी और जैसे ही वो सेडिमेंट एक्सक्यूज हुए तो सबसे पहले आज से आज से 30 से 35 मिलियन ईयर्स पहले हमारा बना ग्रेटर हिमालय फिर हमारा क्या बना दैट इज ग्रेटर हिमालय किसका फॉर्मेशन हुआ सर ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ आज से 35 से 40 मिलियन ईयर्स या आप बोल सकते हो 30 से 35 मिलियन ईयर्स पहले किस टाइम पर कौन सा पीरियड था सर ऑलिग्योसिन का ऑलिग्योसिन टाइम पीरियड में अगर आप जियोलॉजिकल टाइम इवेंट पढ़ोगे तो उस टाइम पर हमारा ग्रेटर हिमालय बना क्वेश्चन क्या आएगा ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन कब हुआ सबको लगता है सारी चीजें एक साथ बनी एक साथ नहीं बनी सबसे पहले ये काराकोरम तिब्बतन प्लेटू वाली चीजें हिमालय का पार्ट नहीं है ये बट ये फॉर्मेशन इंडिया और यूरेशियन प्लेट के टकराने से ही बने हैं और दरास वॉल्किनिक भी क्योंकि वहां पर जो ओशनिक प्लेट थी उनका तो कन्वर्जन हुआ था ना और ओशनिक प्लेट के कन्वर्जन के कारण जब एक प्लेट नीचे सबडक्ट हुई तो नीचे इरप्शन हुआ क्योंकि आपको पता है जब ओशनिक प्लेट बिहारी होती है वो नीचे सबडक्ट करेगी और जिसके कारण क्यों क्योंकि इस इंडियन प्लेट के आगे का जो पोर्शन है वो ओशनिक वाला था बिटवीन द जिसके कारण वो वाली प्लेट नीचे की तरफ सबडक्ट हुई और जिसके कारण दरास और उससे पहले काराकोरम वाला पोर्शन का फॉर्मेशन हुआ समझ में आ रहा है किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दीजिए फटाफट फटाफट सबसे पहले अगर आपसे कोई दिक्कत परेशानी हो कोई भी दिक्कत हो क्या हुआ कैसे हुआ किस तरीके से सबसे पहले आपका जो दरास वॉल्किनिक आइलैंड ट्रांस हिमालय वाला जो पोर्शन है वहाँ पर फिर उसके बाद आपका दोबारा कंटिन्यू क्या हुआ फोर्स लगी और फोर्स लगने के बाद जो तेतीस सी के बीच में सेडिमेंट्स थे यहाँ पर यूरेशियन प्लेट यहां पर इंडियन प्लेट दोनों टकराई कॉन्टिनेंटल प्लेट और दोनों के टकराने से जो सेडिमेंट बीच में थे वो सेडिमेंट्स कंप्रेस हो गए और कंप्रेस होकर वो सेडिमेंट राइज हो गए जिसके कारण हमारा आज से थर्टी से थर्टी फाइव मिलियन ईयर्स पहले आपके माउंटेन जो बने वो ग्रेटर हिमालय बने ठीक है ग्रेटर हिमालय बने याद रखना उसके बाद क्या हुआ सर जब ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हो गया अब क्या हुआ अब हमारा नीचे से समझने की कोशिश करना अब क्या हुआ अब हमारी यहाँ पर ये ग्रेटर हिमालय बन गए 30 से 35 मिलियन ईयर्स पहले इनका फॉर्मेशन हुआ रिवर्स आ रही थी रिवर्स आ रही थी सेडिमेंट्स को लाके यहां यहाँ पर डिपॉजिट करती जा रही थी डिपोजिट करती जा रही थी अब भी हमारी इंडियन प्लेट मूव कर रही थी इंडियन प्लेट ने दोबारा फोर्स लगाना स्टार्ट कंटिन्यू रखा और बात है आज से पंद्रह से बीस मिलियन ईयर्स पहले की आज से 15 से 20 मिलियन ईयर्स पहले किस टाइम पर म्यूसिन टाइम पीरियड पर म्यूसिन इसके आपका जब कंप्रेशन लगता रहा तो हमारी सेकंड माउंटेन रेंज बनी जिसको हम बोलते हैं लेसर हिमालय और हिमाचल हिमाचल का फॉर्मेशन आपका अराउंड 15 से 20 मिलियन ईयर्स पहले हुआ समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरीके से कंप्रेशनल फोर्स लगती जा रही थी आगे भी अब क्या हुआ सर अब हमारे यहां पर बन गए ग्रेटर हिमालय उनके नीचे बन गई हमारी दूसरी रेंज जिसको हम बोलते हैं लेसर हिमालय और हिमाचल यहां से रिवर्स आ रही थी अब ये रिवर्स सेडिमेंट्स लाके यहां पर डिपॉजिट करती जा रही हैं सेडिमेंट डिपॉजिट करती जा रही हैं अब ये सेडिमेंट डिपॉजिट जो हो रहे हैं अभी कंटीन्यूअस फोर्स फिर लग रही है नीचे से कंटिन्यूस फोर्स नीचे से फिर लग रही है इंडियन प्लेट अब भी एक्टिवली मूव कर रही है और जब इंडियन प्लेट कंटिन्यू एक्टिवली मूव कर रही है ये जो सेडिमेंट्स हैं ये फिर दोबारा स्क्वीज होते हैं ये सेडिमेंट्स फिर दोबारा स्क्वीज होते हैं और बात है आज से अराउंड पांच या दस मिलियन ईयर्स पहले की और उसके बाद आपकी एक और तीसरी रेंज बनती है जिसको हम बोलते हैं शिवालिक रेंज लास्ट में हमारी एक और रेंज बनती है जिसको हम बोलते हैं शिवालिक रेंज ठीक है कौन सी रेंज बनती है सर शिवालिक रेंज बनती है जो सबसे लास्ट में फॉर्मेशन हुआ यह चीज याद रखना और शिवालिक रेंज बनी कैसे शिवालिक रेंज बनी कि जो रिवर्स के द्वारा हिमालय से सेडिमेंट्स आए थे उन मटेरियल्स को दोबारा इंडियन प्लेट ने फोर्स करके वो तीसरी बार फिर राइज हो गए और याद रखना क्या पता आने वाले 5 से दस मिलियन ईयर्स पहले जब हम नहीं रहेंगे यहां पर तो क्या पता एक और माउंटेन या एक और हिमालय यहां पर और हो जिसका नाम हो पंकज सौरभ रमेश सुरेश अगर इंडियन ने उसका वो कर दिया या नाम लगा या ऐसा हो सकता है कोई और आ जाए एल्बर्ट आ जाए ठीक है एस्ट्रो आ जाए आपका एडविन आ जाए इस नाम से कोई फोर्थ आपका एक माउंटेन राइज कर जाए एक और रेंज बन जाए किसको पता सर गॉड नोज क्या होने वाला है आगे के जो फ्यूचर है ठीक है आगे स्क्वीज हो समझ में आ गया क्लियर है किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए यहां तक लाइक शेयर करते रहिए अगर चीजें समझ में आ रही हो तो और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझे बता दीजिए फटाफट फड़ जल्दी से बताइए एनी वन ऑफ यू की सर मुझे ये प्रॉब्लम है मुझे ये प्रॉब्लम है मुझे ये समझ में नहीं आया सब चीजें पूछते रहिए मैं बताता रहूंगा हर चीजें यहां तक चीजें क्लियर है फटाफट फड़ बताइए यहां तक चीजें क्लियर है यस या नो क्लियर है लाइक like, शेयर जितने भी स्टूडेंट है 160 के अप्रोक्स देख रहे हैं प्लीज लाइक शेयर करते रहिएगा एटलीस्ट फ्री में पढ़ रहे हो एफर्ट्स को थोड़ा अप्रीशिये दे दो यार ठीक है हमें भी लगता है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं कल कुछ और अच्छे से पढ़ा के आएंगे एक एक अलग अलग रेंजेस का फॉर्मेशन बताएंगे कैसे कैसे हुआ क्या क्या चीजें हुई सब बताएंगे ठीक है ये चीज़ें आपको समझनी है ठीक है किसी को कोई दिक्कत तो सबसे पहले तिब्बतन दराज फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय ये सारी चीज़ें अलग अलग टाइम पर आपकी फॉर्मड हुई ये आपको पता होना चाहिए किसी भी तरीके से आप लोगों को यहां तक कुछ भी दिक्कत हो तो बताइए फटाफट फिर मैं आगे एक एक करके सारे हिमालय को अलग अलग क्लासिफाइड करने वाला हूं ग्रेटर हिमालय फिर फर्दर इनका क्लासिफिकेशन कि लॉन्गिट्यूडनल कैसे डिवीजन हुआ आपका उसके बाद नॉर्थ टू साउथ कैसे हुआ वेस्ट टू ईस्ट कैसे हुआ हर चीज़ों को मैं पढ़ाने वाला हूं आगे चल के ओके ठीक है सर फिर तो इंडिया की स्पेस भी घटेगी सर इंडिया की स्पेस कैसे घट रही है इंडिया थोड़ी ना चीजों के साथ हो रहा है इंडिया तो आगे के जो सेडिमेंट्स से है उसको स्क्वीज़ करता जा रहा है क्योंकि जब दो प्लेट टकराती है ना तो वो नीचे सबडक्ट नहीं हो रही है कॉन्टिनेंटल प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट तो स्क्वीज़ होकर राइस करती जा रही है ठीक है ये चीजें याद रखना तो यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है और गाइज अगर इंडियन प्लेट स्क्वीज हो रही होंगी तो उसके बारे में हम अभी कैसे पता लगा पाएंगे क्योंकि हम तो तीन सौ साल पहले ही इंडिया की नॉर्थ टू साउथ की लेंथ को मीजर कर पाए हैं उसके लिए तो ये चीजें तो मिलियन ईयर्स लगेंगे कंप्रेस होने में तो लेंथ का तो आइडिया हमें बाद में ही पता लगेगा कि इंडिया थोड़ा बहुत कम हो रहा है बढ़ रहा है उन चीजों को हम यहां पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ठीक है ओके देखो हमेशा बात करता हूँ एक चीज़ बोलता हूँ वो हमेशा खुद के लिए भी बोलता हूँ आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ सर मेहनत करते रहिए बहुत बार ऐसा होगा कि आपको असफलताएं मिलेंगी आपको सक्सेस नहीं मिलेंगी बट फिर बोलूँगा निरंतर करते रहिए कंटिन्यूस एफर्ट करते रहिए और ऐसा हो सकता है बहुत बार आपको सक्सेस ना मिले और बहुत लॉन्ग टाइम तक ना मिले बट डेडिकेशन अपने आप को गोल की तरफ अपना डेडिकेशन अपना एक तरीके से एक एफर्ट्स उसको कंटिन्यूस एक कंटिन्यूस फॉर्म में लगाते रहिए डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत टाइम तक ऐसा होगा कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी बहुत लॉन्ग टाइम हो जाएगा आप हार्डवर्क कर रहे होंगे तब भी नहीं मिलेगी पर उसको राइट right डायरेक्शन में करते रहिएगा चीज़ें मिलेंगी हमेशा अपना जो वर्क है ना अपने एफर्ट्स हैं उनको हमेशा बेस्ट दीजिए अगर मैं पढ़ा रहा हूं अगर मैं बेस्ट दूंगा तभी सक्सेसफुल है चीज़ें आपको डिलीवर करने में मजा आएगा अगर आप पढ़ रहे हो और खुद की प्रिपरेशन कर रहे हो अगर बेस्ट नहीं दे रहे हो तो चीज़ें बेकार होंगी सर जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था फिर बताता हूं कि वो चीज़ें अलग अलग करके चेंजेस आई थी और अभी भी अगर आप बिलीव नहीं करोगे इस क्लास से पहले लास्ट फ्रॉम फाइव डेज़ मॉर्निंग में एट ए एम से लेके अभी आपको बहुत जल्दी एक चीज़ पता लगेगी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा था बहुत अच्छे से आने वाली है यूट्यूब हर जगह मिलेगी आपको ठीक है बहुत आपको लगेगा कि हाँ सर ने एफ़र्ट्स किए हैं एडिटिंग हर चीज़ों में बहुत अच्छे से ठीक है तो आपको चीज़ें फील होंगी कि हाँ हमने चीज़ें कैसे की हैं तो वो आपको भी करनी है आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी आपको एक गोल की तरफ बढ़ना होगा बहुत बार होगा कि आप बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे होंगे और बहुत बार आप अनसक्सेसफुल नहीं होंगे आपको अचीवमेंट्स हर बार आपको चीज़ें अचीव नहीं होंगी ईजली बहुत बार आप गिरोगे उठोगे फिर चीज़ों को करोगे बट कंटिन्यूटी के साथ करना है ठीक है एक दिन हो जाएंगी चीज़ें ये मेरा प्रॉमिस है तो अब हमने बात की इन हिमालय के बारे में कि कैसे कैसे हुआ क्या क्या, क्या चीजें हुई किस किस टाइम पीरियड में सारे अलग अलग बने कैसे कैसे हुआ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे हिमालय तो हिमालय को पढ़ने से पहले अगर मैं बात करूं आपको दो तीन चीजें समझाता हूं तो आपको चीजें और क्लियर समझ में आएंगी ये देखिए ये है इंडियन प्लेट इंडियन प्लेट आज से सत्तर मिलियन ईयर्स पहले यहां पर थी आज से सेवनटी मिलियन ईयर पहले इंडियन प्लेट यहां पर थी उसके बाद इंडियन प्लेट यहां पर आ गई और उसके बाद इंडियन प्लेट टकरा गई यहां पर और आप देख सकते हो उसके टकराने के बाद यूरेशियन प्लेट के यहां पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ और उसमें आपकी अलग अलग माउंटेन रेंजेस बनी अब मैं आपके सामने इंडिया के बारे में पढ़ा के और चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे क्या क्या चीज़ें कहां पर है देखिए गाइज यहां पर आप स्टार्टिंग में तीन रेंज देख रहे हैं ये है एक रेंज ये है दूसरी रेंज ये है तीसरी रेंज इनमें जो सबसे ऊपर वाली है इसको हम बोलते हैं काराकोरम रेंज काराकोरम रेंज ठीक है उसके बाद ये जो बीच की रेंज है इसको हम बोलते हैं लद्दाख रेंज और लास्ट में इसको बोलते हैं जस्कर रेंज या जास्कर रेंज याद रखना ये तीनों की तीनों हिमालय का पार्ट नहीं है यहाँ पर आपको एक सेंट्रल में इंडिया की हाईएस्ट पीक दिखेगी जिसका नाम है केटू और याद रखना ये केटू हिमालय का पार्ट नहीं है ये गॉडविन ऑस्टिन ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है और ट्रांस हिमालय काराकोरम लद्दाख और जस्कर इन तीनों को मिला के ट्रांस हिमालय बोलते हैं और उसके बाद नीचे आते हैं आपके हिमालय जिसके अंदर ग्रेटर हिमालय उसके बाद आपका लेसर हिमालय और लास्ट में आपके शिवालिक आएंगे जिनको आउटर हिमालय बोलते हैं ये हिमालय है हमारे ऊपर वाले ट्रांस हिमालय है ये आपको चीजें समझनी होंगी अब हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालय के बारे में कि ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ क्या क्या चीजें कैसे कैसे बनी तो आप देख सकते हो सर यहां पर यह है जियो सिंक्लाइन यह है एक जियो सिंक्लाइन ठीक है यहां पर जियो सिंक्लाइन से क्या हो रहा है कि जियो सिंक्लाइन में रिवर्स आ रही हैं सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रही हैं उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जियो सिंक्लाइन सेडिमेंट से भर चुका है और आप देख सकते हो यहाँ पर जो सी है उसकी डेप्थ कम हो चुकी है अब क्या हो रहा है कि यहाँ से ये प्लेट मूव कर रही है और यहाँ से ये प्लेट और आपने देखा जब दोनों प्लेट मूव करती हैं तो बीच का ये सेडिमेंट है ये स्क्यूज हो के इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा और उसके बाद फॉर्मेशन होगा फोल्ड माउंटेन का और वही फोल्ड माउंटेन हमारे हिमालय वही फोल्ड माउंटेन हमारा हिमालय है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की माउंटेन हमारा हिमालय है ठीक है ओके अब मैं आगे बात करता हूं इंडियन प्लेट को हमने बात कर ली यहां पर फिर मैं आता हूं ग्रेटर हिमालय के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले हिमालय जिसको हम ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं ठीक है ग्रेटर हिमालय सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेटर हिमालय क्या है कैसे है क्या क्या है सब चीजें मैं आपके सामने बताने वाला हूं देखिए जो ग्रेटर हिमालय है इसकी एवरेज हाइट है 6000 हजार मीटर 6000 हजार मीटर जो ग्रेटर हिमालय है बट याद रखना ये एवरेज हाइट है इसी ग्रेटर हिमालय के अंदर 8848 मीटर की हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट बट हम हाईएस्ट पीक से एवरेज नहीं निकालते कुछ पीक 5000 हजार भी होंगी कुछ 7000 हजार भी होंगी कुछ 4000 होंगी तो एवरेज जो हाइट है वो आपकी 6000 मीटर है वहीं पर जो ग्रेटर हिमालय है उसका एक्सटेंशन आपका टोटल यहां से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है आपका ग्रेटर हिमालय 2500 किलोमीटर तक आपका ग्रेटर हिमालय फैला हुआ है ये चीज आपको याद रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेटर हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है यह चीज आपको याद रखनी है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से ठीक है चीजों को समझ रहे हो कि कहां से कहां तक ग्रेटर हिमालय कैसे कैसे फैला हुआ है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए वहीं पर जो इसकी एवरेज विट है एवरेज मतलब जो इसकी चौड़ाई है वो वेस्टर्न पार्ट पर इसकी जो विट है वो ज्यादा है कंपेयर टू द ईस्टर्न पार्ट मतलब अगर आप इसकी विट देखोगे वृत्त यहां पर वेस्टर्न पार्ट पर ज्यादा है कंपेयर टू द ईस्टर्न पार्ट किसकी सर हिमालय की हिमालय वेस्टर्न पार्ट से आपका थोड़ा ज्यादा है, चौड़ाई है कंपेयर टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वहीं पर जो हिमालय का एक्सटेंशन है वो वेस्ट से लेके ईस्ट है तो हिमालय की जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वहां पर जो पीक है उसका नाम है नंगा पर्वत क्या चीज है नंगा पर्वत नंगा पर्वत इज द वेस्टर्न पार्ट वेस्टर्न पीक या वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ हिमालय ग्रेटर हिमालय या जो हिमालय है उसका जो वेस्टर्न फ्लैंक है वो नंगा पर्वत है और जो ईस्टर्न है वो आपका नामचा बरवा है नामचा बरवा ठीक है तो प्रेजेंट टाइम में ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आता है और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो अरुणाचल प्रदेश है उसके नॉर्थ में अगर आप देखोगे वहाँ पर जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है यहाँ पर जॉर्ज बनाती हुई जिसका नाम है दिहांग जॉर्ज इंडिया में एंटर करती है वो इसी नामचा बरवा से करती है अगर ये नामचा बरवा नहीं होता तो ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर नहीं करती ये चीज़ याद रखें और वहीं पर अलग अलग रिवर्स आती हैं जो इन माउंटेन्स में वैली का फॉर्मेशन वर्टिकल स्लोप्स का जॉर्जिस का फॉर्मेशन करती हैं और याद रखना यहां पर एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस है इस वाले एरिया में व्हाट इज़ एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि वो रिवर्स जो माउंटेन से पहले फ़्लो कर रही हैं वो रिवर्स जो माउंटेन से पहले फ़्लो कर रही हैं बट दोनों प्लेट के टकराने से यहां पर माउंटेन बन चुके हैं अब माउंटेन बन गए हैं इनके पास या तो ये अपने पाथ को चेंज कर दे या इन्हीं माउंटेन को कट करके फ्लो करना है, स्टार्ट कर दे तो इन रिवर्स ने क्या किया सर इन रिवर्स ने इन्हीं माउंटेन्स को कट करके अपना पाथ बनाया और उन रिवर्स को बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर जिन्होंने माउंटेन्स को कट करके अपना पाथ बनाया अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इन हिमालय में कौन सी टाइप की रॉक मिलती है तो मैंने कल रॉक्स वाला टॉपिक पढ़ाया था तो याद रखना इन हिमालय के अंदर जो रॉक्स मिलेंगी क्योंकि जो सेडिमेंट्स हैं सेडिमेंट है से वही तो स्क्यूज हुए हैं इसी के कारण यहां पर आपको सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलेंगी सेडिमेंट्री रॉक्स देखने के लिए मिलेंगी और जब उन सेडिमेंटरी रॉक पर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पड़ता है देन इट कैन तो यहां पर रॉक्स भी देखने को मिलेंगी प्लस सेडिमेंट्री रॉक्स इन माउंटेन्स में देखने को मिलेंगी ये चीज आपको याद रखनी है समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए एनी वन ऑफ यू की सर मुझे यहां पर दिक्कत है मुझे यहां पर दिक्कत है ठीक है किसी भी तरीके से ओके एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि हमारा कैसे कैसे है क्या क्या चीजें हैं वो मैंने आपको बताया अब मैं आपके सामने दूसरे हिमालय की बात करता हूं जिसको हम बोलते हैं आपका लेसर हिमालय और हिमाचल बट याद रखना गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं लेसर हिमालय और हिमाचल में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं लेसर हिमालय और हिमाचल बता देना अगर पीपीटी से पढ़ना है मैं पीपीटी से भी पढ़ा दूंगा हिमाचल हिमालय अगर आप लोगों को पीपीटी से पढ़ना है तो मैं उससे पढ़ा दूंगा सारी चीजें मेरे पास नोट डाउन है सारी चीजें परेशान मत होइएगा एक एक चीजें लिखी हुई हैं अगर आपको लगता है कि सर पीपीटी से पढ़ाइए यहां पर मैं पढ़ा दूंगा कि कहां पर कैसे कैसे चीजें हैं नदन माउंटेन रेंज कहां पर है कैसे कैसे हुआ टेन मिलियन ईयर्स पहले हिमालय की पोजीशन आई ग्रेटर हिमालय बने उसके बाद लेसर हिमालय बने म्योसिन पीरियड में और उसके बाद शिवालिक बने लास्ट में प्लियोसिन पीरियड में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं एक एक चीज़ें उसके बाद नदन माउंटेन रेंज में कहाँ पर कैसे कैसे हुआ ट्रांस हिमालय तिब्बत एक एक चीज़ लिखी हुई है उसके बाद आपका ग्रेटर हिमालय कहाँ से कहाँ तक है कैसे कैसे है कौन सी हाइट है सब चीज़ें आपके सामने मैंशन है एक एक चीज़ें बट उस मैथड से ज़्यादा बेटर तरीके से हम समझने की कोशिश करना सर कौन कौन से माउंटेन उस रेंजेस में भी हैं इन चीजों को मैं एंड में आपके सामने पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें वहां पर हैं क्वेश्चन जब मैं मैपिंग सीरीज पढ़ाऊंगा वहां भी पढ़ाऊंगा और एंड में आपको बता दूंगा कि टू कहाँ पर लाई करती है आपका नामचा बरवा कहाँ पर है नंगा पर्वत कहाँ पर है आपका उसके बाद जो पीर पंजाल धोलाधार रेंज है अलग अलग माउंटेन पीक है वो कहाँ पर लाई करती है ठीक है मैं बात करूंगा नंदा देवी कौन से माउंटेन में लाई करती है कंचिन कहां पर लाई करती है ये भी डिस्कस करूंगा बाद में ठीक है ठीक है ओके अब हम बात कर रहे हैं लेसर हिमालय के बारे में लेसर हिमालय में क्या हुआ सर कैसे हुआ सारी चीजें लाइक शेयर करते रहिएगा अच्छे से देखिए जो लेसर हिमालय है अगर हम बात करें तो लेसर हिमालय अराउंड 2400 किलोमीटर की लेंथ तक फैले हुए हैं 2400 किलोमीटर की लेंथ तक आपके लेसर हिमालय हैं और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर इनकी एवरेज हाइट कितनी है तो इनकी एवरेज हाइट है थर्टी एट हंड्रेड मीटर अड़तीस सौ मीटर इनकी हाइट है जो आपके लेसर हिमालय है और याद रखना ऊपर की तरफ ग्रेटर हिमालय है और उसी के पैल ये दूसरी रेंज है जिसको हम लेसर हिमालय और हिमाचल के नाम से जानते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इसी लेसर हिमालय का पार्ट है आपकी दो इंपॉर्टेंट रेंज जिनका नाम है पीर पंजाल रेंज और धौलाधार रेंज याद रखना पीर पंजाल और धौलाधार दोनों माउंटेन रेंजेस लेसर हिमालय और हिमाचल के अंदर आती हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना समझ में आ गया पीर पंजाल एंड धोलाधार रेंज आर द पार्ट ऑफ द लेसर हिमालय और जिसको हम बोलते हैं आपका कौन सा लेसर हिमालय और हिमाचल इसी का पार्ट है आपको याद रखना है अब आपसे पूछ लेगा सर कौन सी मसूरी है वो हिमाचल हिमालय के अंदर, अंदर। नाग तिब्बा है, वो इसी के अंदर आती है डलोजी हो गया कुल्लू मनाली हो गया नैनीताल जितने भी आपके फेमस हिल स्टेशन है दीज ऑल आर पार्ट ऑफ लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय का ही पार्ट है याद रखना समझ में आ गया ओके क्लियर है वहीं पर अगर आप देखोगे महाभारत रेंज जो आपकी नेपाल के अंदर महाभारत रेंज है वो इसी का पार्ट है और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डाफला रेंज के बारे में पढ़ा होगा डाफला मिसीमी अब मिकीर अभोर दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय अगर आपको डाउट है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से अगर आप यहाँ पर आकर देखना चाहते हो यहाँ पर आप देखोगे डाफला मिसीमी महाभारत रेंज ये सब आपका किसका पार्ट है ये आपका पीर पंजाल ये लेसर हिमालय का पार्ट है जो आपको याद रखना है इसी के अंदर ये लाई करता है ठीक है पीर पंजाल डाफला मिरी अबोर मिसिमी ये सब इसी के अंदर है बट याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेघालय के अंदर तीन रेंजेस लाई करती हैं मेघालय के अंदर तीन रेंजेस लाई करती हैं जिसमें गैरो हिल है खासी हिल है और जयंतिया हिल है ये तीनों की तीनों हिल्स हैं गैरो खासी जयंतिया ऑल ऑल थ्री आर द पार्ट ऑफ पैरन्सुलर प्लेटू प्लेटू का पार्ट है ये ब्रेक होके सेपरेट हो चुकी है मालदा फॉल्ट से राजमहल फॉल्ट से अलग हो चुकी है पार्ट ये, ये का एक्सटेंशन था कौन सा गैरो खासी और जयंतिया ये तीनों हिल्स ठीक है ओके समझ में आ गया किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए फाइन ओके किसी भी तरीके से एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जो हमारे लेसर हिमालय हैं यहां पर जो विट है हिमालय की वो वेस्टर्न साइड में थोड़ा कम है कंपेयर टू द ईस्टर्न साइड यहां पर विट ज्यादा देखने को मिलेगी लेसर हिमालय में ओके okay, उसके बाद हमारा लास्ट आता है तीसरा और लास्ट आएगा हमारा जिसको हम शिवालिक बोलते हैं शिवालिक इज ऑल्सो नोन एज द आउटर हिमालय शिवालिक को आउटर हिमालय भी बोलते हैं ये भी आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ तक लाई करता है सर जो हमारा शिवालिक है इसकी एवरेज हाइट 800 से लेके 1200 मीटर के बीच में है एवरेज हाइट ऑफ शिवालिक इज 800 से लेकर 1200 मीटर तक है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इनका फॉर्मेशन जो रिवर सेडिमेंट्स लेके आई थी उनके स्क्वीज़ होने से इसका फॉर्मेशन हुआ है और ये कंप्लीटली फोल्डेड नहीं है दीज आर द पार्शली फोल्डेड माउंटेन रेंज है शिवालिक है एक तरीके से और इन्हीं शिवालिक यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर यह आपका लेसर हिमालय है और यहाँ पर यह शिवालिक है और इसके बीच में दून की फॉर्मेशन होती है बिटवीन द शिवालिक एंड द लेसर हिमालय उसका एग्जाम्पल है देहरादून कोटली दून पाटली दून, दून ये दून कहाँ पर बनते हैं इन लेसर और आपके मिडिल लेसर और शिवालिक के बीच में इन किसका फॉर्मेशन होता है सर दून का फॉर्मेशन होता है ये चीज़ें आपको याद रखनी है फटाफट याद रखना अगर आपसे पूछे कि सर कौन सी है शिवालिक का जो अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपके जो लेसर हिमालय जैसे डाफला मिरी अभोर है इसी तरीके से आपका आसाम के अंदर लाई करते हैं ये उसी के साथ साथ नेपाल के समपाट में भी लाई करते हैं जो लेसर हिमालय है उसके सदन पोर्शन पर लाई करते हैं ये चीज़ याद रखना क्लियर है किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए यहाँ तक कि कहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या, क्या चीज़ें हुई एनी वन ऑफ यू की सर मुझे यहाँ पर डाउट है सो दिस इज ऑल अबाउट द हिमालय की नॉर्थ से लेके साउथ तक कैसा क्लासिफिकेशन है अब मैं आपके सामने बात करता हूँ मिडिल लेसर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है शिवालिक उसके बाद मैंने आपका फेमस दून के बारे में बता दिया देहरादून कोटली दून पाटली दून ठीक है और कहाँ पर कैसे है अभी तक तो मैंने हिमालय का फॉर्मेशन आपको नॉर्थ से लेके साउथ में बताया नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट का फॉर्मेशन करूंगा तो सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय तो अगर हम बात करें ये हमारा हिमालय है तो यहां पर ये वाला जो सेक्शन है दैट इज नोन एज द पंजाब हिमालय और याद रखना जो इंडस रिवर है इंडस रिवर से लेके जो सतलज रिवर है इन दोनों के बीच का जो पार्ट है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं इंडस से लेके सतलज के बीच का जो पार्ट है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं ये चीज आपको याद रखनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको क्या बोलते हैं पंजाब हिमालय बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना उसके बाद आपका जो सेकंड हिमालय है वो आपका कुमाऊ हिमालय है याद रखना कुमाऊ हिमालय यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है इज़ कुमाऊ हिमालय जो सतलज रिवर है और काली रिवर है सतलज और काली रिवर के बीच में लाई करता है आपका कौन सा हिमालय सर आपका लाई करता है कुमाऊ हिमालय उसके बाद तीसरा हिमालय जो आता है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं और ये काली और तीसरा रिवर के बीच में लाई करता है जो काली नदी सॉरी काली और कोसी के बीच में काली और कोसी रिवर के बीच में और उसके बाद आपका नेपाल के बाद लास्ट में आता है आसाम हिमालय जो आपकी कोसी और आपका दिहांग बोल सकते हो या ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में क्योंकि जो दिहांग है वहां पर जॉर्ज का फॉर्मेशन होता है और आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर जब इंडिया में एंटर करती है तो इट इज नोन एज दिहांग या सियांग के नाम से जानी जाती है जब इसमें दिबांग और लोहित जुड़ते हैं तब ब्रह्मपुत्रा बनती है तो इसी वजह से आप बोल सकते हो दिहांग या ब्रह्मपुत्रा और कोसी और ब्रह्मपुत्रा के बीच का जो रीजन है उसको असम हिमालय बोलते हैं सो so, असम इज बिटवीन द तीस्ता एंड दिहांग ठीक है या आप बोल सकते हो कोसी सिक्किम हिमालय को भी इन्होंने एक फर्दर अलग से कर दिया है कोसी या तीस्ता अदरवाइज आपका नेपाल हिमालय के बाद अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं की जाती फॉर द सिक्किम यहीं पर आपका बिटवीन द काली एंड तीस्ता रिवर के बीच में बट यहां यह क्लासिफिकेशन है जिसको कोसी और तीस्ता के बीच में रखा गया है अदरवाइज काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय आ जाता है और उसके बाद जो आसाम हिमालय है वो आपका तीस्ता और दिहांग के बीच में लाई करता है ठीक है ओके समझ में आ गया ये सिक्किम एक और एड ऑन क्लासिफिकेशन है अदरवाइज अगर आप यहां पर आओगे तो आप नोटिस करोगे ये वाला रीजन है बेसिकली नेपाल ये कुमाऊ हिमालय ये कश्मीर हिमालय और इसी कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय भी बोला जाता है और उसके बाद आता है लास्ट में आपका आसाम हिमालय और आसाम हिमालय के अंदर यहां पर यह तीसरा रिवर और ध्यान के बीच में और तीसरा से पहले फिर यहां पर आ जाओगे तो मैंने आपको अलग अलग करके क्लासिफिकेशन बता दी है कौन कौन सी रिवर कहां पर करती है, कि आपकी कहां पर है काली और तीस्ता कहां पर है कैसे इन्होंने सिक्किम हिमालय जोड़ने के लिए कोसी को एक अलग बना दिया उसी के बाद ये कश्मीर हिमालय कहां पर है कैसे कैसे है ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी तो फटाफट आप देख सकते हो यहां पर ये वाला जो रीजन है दैट इज नोन एज द कश्मीर हिमालय आप देख सकते हो उसको पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं फिर आता है कुमाऊ हिमालय यहाँ पर कुमाऊ हिमालय के बाद फिर यहाँ पर बीच में आता है नेपाल हिमालय और नेपाल हिमालय के लास्ट में आता है असम हिमालय जिनको ईस्टर्न हिमालय बोलते हैं और इसी के अंदर डाफला मिरी अभोर ये सारी रेंज रेंज है जो ये इसी के अंदर आपकी लाई करती है ओके अच्छे से मैंने आपको सारे अलग अलग हिमालय हैं ये चीजें आपको बता दी अब क्वेश्चन में एक और आता हूं बहुत इंपॉर्टेंट ये हिल्स सच इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर आ जाइए एक स्टूडेंट पूछ रहे थे सॉरी कि क्या क्या चीजें अब ग्लेशियर पता होना चाहिए सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज के अंदर लाई करता है और याद रखना इंडिया का आपका लार्जेस्ट ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर उसके बाद बालतारो ग्लेशियर है जो काराकोरम में लाई करता है बट द क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट गंगोत्री ग्लेशियर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है बेसिकली जो हिमालय वाले पार्ट में लाई करता है गंगोत्री ग्लेशियर जो कि बेसिकली आपका 26 किलोमीटर लेंथ पे है केदारनाथ आपका उत्तराखंड में है जेमू ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड में है कंचनजुंगा, सिक्किम में है तो आपको पता होना चाहिए बाइफो, हिस्पर, बाल्टोरो सियाचिन आपका रीमो आपका चुगो लुंगम आपका पुनमहा रुंडून गंगोत्री केदारनाथ ये ग्लेशियर कौन-कौन से एरिया में है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है ग्लेशियर को लेके ठीक है करेवास क्या है सर करेवास आर द लेकोस्टीन डिपोजिट्स जो ग्लेशियर के लेकोस्टीन डिपोजिट्स थे जब ग्लेशियर मूवमेंट के कारण उससे करेवास का फॉर्मेशन हुआ और ये करेवास जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलते हैं एंड दीज करेवास आर द बेस्ट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ किसके ज़... वो सैफ्रोन के लिए केसर की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पर एक इंपॉर्टेंट टाइप की केसर की सेफरॉन की वराइटी मिलती है जिसको हम जाफरान बोलते हैं जाफरान लेकोस्ट्रीन डिपोजिट्स का मतलब होता है वहां पर एक टाइम पर ग्लेशियर मूव किया होगा उसके कारण लेकोस्ट्रीन डिपोजिट मिलते हैं वो आपका क्या है आपका करेवाज है और दून्स बेसिकली जो आपके लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बनती हैं, उनको दूंस बोलते हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज है ये बिटवीन द लेसर हिमालय और जो आपका साउथ में शिवालिक है उसके बीच में फॉर्म्ड होती है और जो लार्जेस्ट धून है दैट इज द देहरादून, कोटली धून और पाट्टी धून ये चीज भी आपको याद रखनी है उसके बाद आपको मैंने ग्लेशियर बता दिए हैं कहाँ पर कौन कौन से हैं आप देख सकते हो थोड़ा सा ओके उसके बाद अगर आपकी इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स आप पूछ रहे थे वो भी आप यहाँ पर एक बार लिख लीजिए ठीक है वो भी आप एक बार देख लीजिए माउंट एवरेस्ट नेपाल में मिलेगा हिमालय का पार्ट है गॉडविन ऑस्टिन इंडिया में है केटू बट ये काराकोरम का पार्ट है कंचिन सिक्किम इंडिया के अंदर है बट याद रखना सिक्किम इंडिया के अंदर है ये आपका हिमा हिमालय का पार्ट है उसके बाद मकालू नेपाल के अंदर है धोलागिरी नेपाल के मनसालू नेपाल नंगा पर्वत इंडिया के अंदर है ठीक है नंगा पर्वत जो है बट इस टाइम में प्रेजेंट टाइम पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आता है अन्नपूर्णा नेपाल के अंदर है नंदा देवी इंडिया के अंदर उत्तराखंड स्टेट में कामेट इंडिया के अंदर है नामचा वर्मा इंडिया के अंदर है अरुणाचल प्रदेश में और इंडिया और नेपाल के वो तिब्बत के बॉर्डर पर है जहां से ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर करती है अब हम बात करते हैं मेजर वैलीज आप देख सकते हो यहाँ से क्वेश्चन बनता है चुंबी वैली है यह आपको पता होना चाहिए कहाँ पर कांगरा वैली हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास मलाना वैली हिमाचल प्रदेश में लिटिल ग्रीस बोलते हैं मलाना फेमस है आपको पता होगा स्पीति वैली ठीक है फेमस है इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है पैंगी वैली कुल्लू वैली सांगला वैली सांगला वैली हिमाचल प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसको भी याद रखना ये वैलीस कहाँ पर है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ठीक है किस किस रीजन्स में अब मुझे बताइए यहाँ यहाँ तक किस किस स्टूडेंट को चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई है यहाँ तक किस किस स्टूडेंट को चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है कि सर मुझे क्लियरली बहुत अच्छे से एक एक चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई हैं फट जल्दी से बताइए कि सर मुझे यहां पर यह चीज समझ में आ गई है सर मुझे यहां पर आ गई है मुझे यहां पर किसी को भी एनी वन ऑफ यू फिर हम आगे बढ़ेंगे यहां तक चीजें क्लियर है अच्छे से समझ आ गई हैं किसी को कुछ भी दिक्कत हो ना मुझे परेशान कर दो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं बैठा हु यहां पर आने वाले दो से तीन मिनट में आपके डाउट्स लेने के लिए आप बताइए कुछ भी परेशानी हो कुछ भी इश्यू हो कुछ भी किसी भी तरीके का क्योंकि कल मैं आपके सामने पैरेंसुलर प्लेन्स को लेकर आऊंगा और इंडिया का प्लेट्यू इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ उन चीजों को डिस्कस करने वाला हूं कल की क्लास में आप मुझे अभी बताइए किसी को कोई भी परेशानी है कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है मुझे ये समझा दीजिए फटाफट जल्दी से जल्दी से बताइए क्रिस्टल क्लियर है ठीक है यहां तक चीजें सही में सर ओके और बताइए यहां तक किसी को भी कि सर ये चीजें समझ में नहीं आई फटाफट फड़ जल्दी से बताइए सर दूंस के बारे में किस किस को समझना है मुझे बता दीजिए मैं दूंस के बारे में समझाने के लिए तैयार हूं मुझे एक बार स्टूडेंट अपना आंसर दे दीजिए किस किस को समझना है ओके फटाफट -फड़ बताइए देखिए मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट समझाता हूं आपको पता होगा कि जो शिवालिक है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ जो लेसर हिमालय ले है वहां से रिवर्स आ रही थी वो नीचे सेडिमेंट्स, कॉन्ग्लोबरेट सैंड्स इन सबको डिपोजिट कर रही थी आपको पता है तो इनिशियल स्टेज में डिपोजिट होते जा रहे थे लेसर हिमालय ले के नीचे बट जब ये डिपोजिशन हो रहा था ऊपर से रिवर्स आ रही थी ऊपर से रिवर्स आ रही थी समझने की कोशिश करना ऊपर से रिवर्स आ रही थी और उन रिवर्स को ये जो कॉन्ग्लोमरेट से, 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 से ये क्या कर रहे थे ये एक तरीके से उनको रोक रहे थे ऑब्सेक्ट कर रहे थे रिवर के फ्लो को तो जब रिवर के फ्लो को स्टॉप कर रहे थे तो वहां पर वो कॉन्ग्लोमरेट सेडीमेंट्स थे उसके कारण वहां पर टेम्परेरी लेक बन गई टेम्परेरी लेक बन गई और टेम्परेरी लेक बन गई तो धीरे धीरे टाइम के साथ उन टेम्परेरी लेक्स के अंदर आपके सेडिमेंट्स होने लगे और और ज्यादा वो उस लेक्स के नीचे बैठ गए ठीक है और उसके बाद जो रिवर्स थी उसने उनको कट करके अपना रास्ता बनाना स्टार्ट कर दिया अपना कोर्स बनाना स्टार्ट कर दिया तो जो रिवर्स जो लेक्स बनी थी टेम्परेरी जिसके अंदर कॉन्ग्लोमरेट डिपोजिट्स थे वो वहीं पर रह गए वो डिपोजिट्स वहीं पर रह गए और रिवर आगे आ गई और उसी कॉन्ग्लोमरेट डिपोजिट के कारण वहां पर दून्स का फॉर्मेशन हुआ और वही दून्स बोलते हैं वहीदून कोटली दून और पाटली दून। है? इनको वेस्ट में दून बोलते हैं वेस्ट में अगर आप देखोगे शिवालिक के वेस्ट में तो इनको दून्स बोलते हैं और वहीं पर अगर आप इनको ईस्ट में देखोगे तो इनको द्वार्स बोलते हैं क्या बोलते हैं द्वार्स बोलते हैं आप समझ में आ गया कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ दून द्वार में क्या फर्क है सर दून बन रहा है वेस्ट में और द्वार बन रहे हैं ईस्ट में समझो दोबारा नहीं आया तीसरी बार समझेंगे यहां पर ये लेसर हिमालय है रिवर आ रही है रिवर आ रही है यहां पर सेडिमेंट डिपोजिट हो रहे हैं सेडिमेंट डिपोजिट हो गए हो गए हो गए बहुत सारे अब रिवर के फ्लो को अपसेट कर रहे हैं यहां पर रिवर का जो वाटर है वो यहां पर आकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा टेम्परेरी लेक्स बन जाएंगी इसके अंदर वाटर आ जाएगा अब रिवर जो यहाँ पर ऑबस्ट्रेक्ट हो गई थी वो यहाँ पर इस लेक्स में सेडिमेंट्स दोबारा डिपोजिट होंगे अब सेडिमेंट दोबारा डिपोजिट होंगे रिवर्स जो ऑब्सट्रेक्ट हुई थी वो अपना पाथ बना के आगे की तरफ फ्लो कर जाएगी अब आगे की तरफ फ्लो करेगी तो यहाँ के जो सेडिमेंट्स हैं रिवर ऐसी रह जाएगी और जो लेक है वो ड्राई हो जाएगी और यहीं पर जो कांग्लोमरेट और इन सब का डिपोजिट है इसके कारण बने हैं दून का फॉर्मेशन हुआ है और यहां पर बाद में शिवालिक बन गए थे तो ये दून किसके बीच में बने लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में और अगर आप इसको वेस्ट में देखोगे तो इसको दून बोला जाएगा और ईस्ट में देखोगे तो इसको द्वार बोला जाएगा समझ में आ गया दून और द्वार कैसे बने फाइन यहां तक सर परेशान कर दिया करो पूछ पूछ के किसी को भी जब तक डाउट्स क्लियर ना हो ना क्लास खत्म मत होने दिया करो जब तक डाउट्स क्लियर ना हो कि सर मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं प्लीज बताइए बताइए सर वो बात नहीं सुनी आपने कि जिंदा हो लोगों को पता होना चाहिए तो वही वाली चीज़ है कि क्लास में हो तो पता होना चाहिए डाउट्स पूछ पूछ के ठीक है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल गढ़वाल रीजन इट ट्रम एज अ दून एंड कुमाऊ रीजन इज ट्रम एज अ द्वार गढ़वाल कहां पर है वेस्ट में कुमाऊ ईस्ट में तो वही चीजें हैं उस शिवालिक्स के वहां पर ओके ठीक है ये चीजें आपको समझ में आ गई अब एक क्वेश्चन दू आपको चलो एक क्वेश्चन करके जाना आपके सामने क्वेश्चन है इफ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जोग्राफिकल इंपैक्ट ऑफ इंडिया अगर जो हमारे हिमालय नहीं होते तो इंडिया के ऊपर क्या जोग्राफिकल इंपैक्ट देखने को मिलता फटाफट फड़ जल्दी से बताइए अब से रोज एक क्वेश्चन भी करवाया करूंगा आपको फटाफट फड़ जल्दी से बताइए कम ऑन फास्ट जल्दी से बताइए किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए एनी वन ऑफ यू कि सर मुझे है फटाफट फड़ बताइए कौन सा आंसर होगा इसका बिल्कुल सही बात है सर साइबेरिया से कोल्ड विंड आती हमारे इंडिया का जो सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो नहीं होता करेक्ट आंसर है अगर सच एक्सटेंसिव प्लेन नहीं होता एक्सटेंसिव प्लेन का फॉर्मेशन क्या हुआ कल की क्लास में पढ़ना वहां पर पैनोसुलर प्लेटू और हिमालय के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे सारी चीजों का फॉर्म हुआ इसका फॉर्मेशन ही नहीं होता बिल्कुल सही बात है पैटर्न ऑफ मानसून विल बी डिफरेंट बिल्कुल सही बात है जो इंडिया का आज मानसून है जो आपकी आपकी विंड आती है साउथ वेस्ट स्टेट विंड्स वो किसके कारण आती है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस वो प्रेशर डिफरेंस हो ही नहीं पाता क्योंकि जो इंडिया है अगर समर सीजन में वहां पर टेम्परेचर हाई होता है वो टेम्परेचर हाई हो ही नहीं पाता क्योंकि साइबेरिया से कोल्ड विंड आती तो इसके कारण से ये भी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर इसका वन टू थ्री ऑल ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट है काफी सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर अच्छे से आंसर किया है ओके okay गाइस तो ये हमारा आज का सेशन था बहुत इंपॉर्टेंट है अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप सुनते जाइएगा गाइज देखिए अपकमिंग वेनसडे फिफ्टीन को संडे सिक्सटीन को मंडे सेवनटीन एटीन एटीन जैन से मैं अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पर और डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स लेके आ रहा हूं रफ्तार सीरीज है उसके अंदर रफ्तार जो है उसके अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन कवर कर रहे हैं एटीन जेन से प्लस कोर्स है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ए एम टेन कोड यूज करके ठीक है फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स गाइज मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने ट्यूसडे ऑनवर्ड्स है मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूसडे से अपकमिंग ट्यूसडे जो आ रहा है उसमें मैं आपके 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सीरीज़ लेके आ रहा हूं इंडियन जोग्राफ़ी के और ये सेशन आपका मॉर्निंग में इलेवन एम होगा याद रखना मिस मत करना बहुत इंपॉर्टेंट है इलेवन ए ए एम से अनएकेडमी ऐप पर बिल्कुल फ्री क्लास है बस आपको ए एम कोड यूज़ करना है और आप फ्री में एंटर कर जाओगे बट मेरा अनएकैडमी का ऐप है उस पर मुझे फॉलो कर लीजिए जो अन अकेडमी प्लस मेरा टेलीग्राम का लिंक है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आप लोग परेशान होते हो क्या करें कैसे करें ठीक है अन्य अनुरुद मलिक है किसका डाउट है एक बार देख लेता हूँ शुभ लक्ष्मी जी दो मिनट के लिए मुझे टाइम दीजिए मैं आपका डाउट बिल्कुल लेके जाऊंगा क्लियर परेशान मत होइए सारे डाउट क्लियर होंगे ठीक है इलेवन एएम पर अनअकेडमी ऐप पर प्लस मेरा टेलीग्राम चैनल है दैट इज अनुरुद मलिक अनएकैडमी अंडर स्कोर मलिक वो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए वहां पर सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलेंगे 29,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए अपडेट्स मिलने वाले हैं उसी के साथ साथ अगर हम बात करें अनएकेडमी ऐप पर आ जाइए यहाँ पर आ जाइए उसी के साथ साथ अनएकेडमी सब्सक्रिप्शन पर आपको ऑफर मिल रहा है अगर आप ट्वेल्व मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो टू मंथ्स उस पर फ्री है एट्टीन मंथ्स का लेते हो तो उसके साथ फोर मंथ्स फ्री है ट्वेंटी फोर मंथ्स का लेते हो तो सिक्स मंथ्स बिल्कुल फ्री है और थ्री ईयर का लेते हो तो उसके साथ ट्वेल्व मंथ्स का बिल्कुल फ्री है और ये सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी जैसे ही आप एम टेन कोड यूज़ करते हो ये डिस्काउंट मिलेगा पहले टेन परसेंट का और उसके साथ साथ ये एक्सटेंशन मिलेगा मैं आपसे यही बोल सकता हूँ कि टू ईयर्स तक चीज़ों को सब्सक्रिप्शन लीजिए और बहुत अच्छे से अपने आप को समझिए और अपनी प्रिपेशन को एक माइंड फोकस करके स्टार्ट कर दीजिए अगर अब नहीं तो कभी नहीं जितना डिले करते चले जाओगे न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है अगला न्यू ईयर आएगा फिर तीसरा आएगा बट आप लोग वहीं रह जाओगे मैं कभी ये नहीं चाहता चीज़ों को सिस्टम के साथ आइए स्ट्रक्चर्ड आइए और वेल प्लान मैनर में आइए चीज़ों के साथ आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे ठीक है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ए एम टेन कोड यूज़ करके मेरी मेंटरशिप गाइडेंस क्या पढ़ना है कौन सी बुक कैसे पढ़ना है सब चीज़ों में आपको मेरी हेल्प मिलेगी ठीक है, ओके समझ में आ गया ठीक है यहां तक कोई दिक्कत परेशानी डिवाइड का मतलब होता है नहीं होता डिवाइड मतलब वो चीज नहीं मिलेगी तो इंडो वुड बी डिवाइड ऑफ सच एक्सटेंसिव प्लेन मतलब ये एक्सटेंसिव एलिवियल प्लेन होते नहीं डिवाइड का मतलब है नहीं होते तो ये नहीं होते अगर हमारा हिमालय नहीं होता क्योंकि वहीं से तो रिवर सेडिमेंट्स से आ रहे हैं ना ये चीजें याद रखना अब बताइए किसका डाउट था मुझे अब एक बार मैं डाउट ले लूं एक और टाइम वैसे बहुत है चलो फिर भी ले, ले लेते हैं किसका डाउट है फटाफट फड़ जल्दी से बताइए आप कुछ डाउट डाउट पूछ रही थी फटाफट फड़ बताइए जल्दी से क्या डाउट है आपका सर व्हाट इज बैंड ऑफ हिमालय सिंटेक्शियल बैंड का मतलब होता है जब हमारी प्लेट समझने की कोशिश करना ये इंडियन प्लेट यहां से टकराई यूरेशियन प्लेट के साथ फिर हमारा इंडियन प्लेट देखिए इंडियन प्लेट ऐसे थी अगर मैं बात करूं तो इंडियन प्लेट का पहले ये वाला पोर्शन फिर यहां से ये वाला पोर्शन टकराया तो टकराने के कारण जब हमारा हिमालय है ना तो उस हिमालय में बैंड देखने को मिला कि ये हिमालयन रेंजेस है तो हिमालयन रेंजेस इस तरीके से है तो यहां पर आकर ये बैंड हो गई और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में चली गई और जब बैंड कहां से हुई बैंड हुई सर नामचा बरवा से नामचा बरवा से और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर आ गई ये होता है सिंटेक्सियल बैंड ठीक है अब सुबह लक्ष्मी जी का डाउट ले लेते हैं सर ड्रेनेज जो बोला था आपने वो थोड़ा क्या ड्रेनेज बोला था मैंने आप मुझे एक बार बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जब हम एमसीक्यू करवाएंगे ना फाइव हंड्रेड ऐप पर मॉर्निंग में ट्यूसडे से सब आपको समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट कैसे कैसे करेंगे उनको मिस मत कीजिएगा ए एम टेन से अनएकेडमी ऐप पर फटाफट ड्रेनेज पैटर्न देखिए ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि जो हमारे हिमालय है ना यहाँ पर क्या होता था कि बहुत सारी रिवर्स है ना आपका यहाँ पर ये यह यूरेशियन प्लेट थी और यहाँ पर यह सी था और यहाँ पर इंडियन प्लेट थी तो जो रिवर्स थी ना वो ते यहाँ से ओरिजिनेट होके यहां पर आके अपने सेडिमेंट्स को ड्रेन कर दी थी बट क्या हुआ जब ये हिमालय टकराया तो हिमालय के टकराने से जो रिवर्स आ रही थी ऊपर से ये वाली रिवर्स ये अब कहां पर जाएंगी या तो अपने पाथ को चेंज कर ले तो इन्होंने अपने पाथ को चेंज नहीं किया इन्होंने धीरे धीरे हिमालय को कट करना स्टार्ट कर दिया और कट करके अपना पाथ को बनाया और इसी टाइप की रिवर्स को बोला जाता है एंटीसीडेंट रिवर मतलब ये वो रिवर है जो हिमालय से पहले से ही बनी है हिमालय के फॉर्मेशन से पहले ही ये रिवर फ्लो करती थी और हिमालय बनने के बाद इन्होंने अपना पाथ बना के हिमालय को कट किया और उसके बाद आगे जाके फ्लो की ठीक है समझ में आगे ओके ओके समझ में आया रेडियल ड्रेनेज का मतलब होता है जब आपका कोई ऊपर से एलिवेटेड पोर्शन हो और उससे चारों तरफ आपकी रिवर्स निकल रही हो एग्जाम्पल है अमरकंठक प्लेटू जहां से आपकी रिवर निकलती है सोन और नर्मदा रिवर ओके okay, फाइन तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं ए एम टेन कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी अंडर स्कोर अनुरूद मलिक कोई भी स्टूडेंट कमेंट में मेरा टेलीग्राम चैनल मैंशन कर देगा अनअकेडमी ऐप को ज्वाइन कर लीजिएगा अभी का सेशन यही खत्म करते हैं कल मिलते हैं सही नौ बजे अन अकेडमी के इसी चैनल पर जिसके अंदर हम पैरासोलर प्लेटू और आपके प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई स्टूडेंट मिस ना करें आज का सेशन यही खत्म करते हैं बाय टेक केयर सी यू गाइज